अच्छा दौर भी देखा है, बुरा दौर भी देखा है, और हर दौर ने हमें सिखाया है। हम निखरे हैं और निखर कर आज इतने निखरे हैं कि आज 2000 हम बात करें 24 में आपके सफीदों एरियाज और हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद के अग्रणी संस्थाओं में हमारी संस्था का नाम आता है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको लगता है हम अपने घर में हैं। थर्डली सर, हमारे जो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे टॉप करके जा रहे हैं। CRSU के जो हमारे VC सर रणपाल जी 2 बार हमारे विजिट कर चुके हैं। BJP गवर्नमेंट ने कुछ इतना अच्छा प्रावधान कर दिया कि जितने बच्चे बीएड करते हैं वो कोई एक सिंगल बच्चा भी घर पे नहीं बैठेगा, तो बीएड का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया कि बीएड कर लिया तो समझ लो आपकी जॉब है वो श्योर है, श्योरिटी पक्की है। सफीदों के अंदर जो शिक्षा की अलख जगाने वाले और हर बेटी के लिए बीएड मुहैया करवाने वाले और अध्यापक बनाने वालों में अगर किसी का नाम है तो हमारे चेयरमैन श्री बलबीर सैनी जी का। कि मेहनत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हमारा कॉलेज का स्कूल का जो स्टाफ है वो अच्छी तरह से दिन प्रतिदिन अच्छा कार्य करवाता है, अच्छी शिक्षा देता है। नर्सरी क्लास से लेकर 12th पास आउट यहीं से हूँ मैं, तो मेरा जुड़ाव तो स्कूल के साथ पहले से ही था। अब मैं कॉलेज में, मेरी तो सारी स्टडी यहीं से हुई है। यहाँ पे हर तरीके से आपकी पढ़ाई में लगा लो या फिर कोई भी एक्टिविटी, एवरीथिंग, हर चीज़ में कोऑपरेट किया जाता है। सभी बच्चों के पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ हरियाणा कॉलेज में एडमिशन दिलवाए। बहुत अच्छा बच्चों को परफॉर्मेंस मिलेगी, बोलने का तरीका, स्टडी एक नंबर, मतलब परफेक्ट। यहाँ जो फर्स्ट ईयर में नए नए बच्चे आए हैं वो हमारे कॉलेज को देखे कैसा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने बहुत से मोटिवेशन हुआ कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए हमने यहीं से चूज किया कि हम भी यहीं से स्टडी करेंगे अच्छे। हमने जो सिस्टम बनाया है वो रेगुलर क्लासेस का सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से बच्चे कामयाब होते हैं और फिर वो दूसरे बच्चों को भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। अदर कॉलेज के कंपैरिजन में देखें तो मतलब यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी है और टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव है, मतलब कैसे भी सिचुएशन हो हैंडल कर लेते हैं, मतलब बच्चों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में, मतलब फैमिली टाइप भी रहते हैं इसलिए। और मैं तो सफीदों से हूँ तो यहाँ पास के पास मेरे को ज़्यादा ईजी पड़ता है। और रही बात स्टाफ की तो यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जींद प्लस न्यूज़ में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफीदों के हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। आज यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा जो फ्रेशर्स जो जिनका न्यू एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा आज फ्रेशर्स को जो है वेलकम पार्टी जो है वो दी जा रही है, तो उसको लेकर आज जानते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं आखिर जो फ्रेशर्स इस कॉलेज में जो न्यू एडमिशन हुए हैं तो उनको उनसे जानेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा क्या देखकर हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करा, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी जानेंगे उनका अनुभव जो है 2 साल का वो इस कॉलेज में कैसा रहा। और लगातार जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं जो बलबीर सिंह सैनी जी और जो डायरेक्टर है राजेश सैनी जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि भाई लगभग 45 वर्ष जो हरियाणा स्कूल को चलते हुए हो गए और 17 से 18 साल जो है वो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन को शुरू हुए हो गए, तो जानेंगे भाई कैसा अनुभव उनका रहा इस कॉलेज में और स्कूल में जो शुरुआत की थी क्या सोच कर करी थी और कैसा अनुभव जो है उनको देखने को मिला इस कॉलेज में, तो आइए जानते हैं। अगर कॉलेज की बात करूँ तो पिछले 17 सालों से अपनी सेवाएँ दे रहे डॉक्टर सुरेश शर्मा जी जो आज अपनी विदाई को लेकर यहाँ पार्टी में पहुंचे थे, तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ हमारा कीमती समय दिया। हाँ जी, तो सर 17 साल आपने यहाँ आज मैं बात करूँ तो सिखाया भी होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा, तो कैसा अनुभव जो है 17 सालों में देखने को मिला? सर ऐसा है, हमारा बीएड कॉलेज रहा और बीएड में हमारे पास हमने करीब करीब 1500 टीचर बनाए, उनको सिखाया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, एक्सप्लोर कैसे करना है। आज सफीदों के आसपास जितने भी गांव हैं उनमें सफीदों में और सफीदों के आसपास जितने भी गांव हैं वहां हमारे कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थी अध्यापक हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे लिए हरियाणा शिक्षण महाविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है। बात करूँ तो बहुत लंबा समय होता है 17 साल, बिल्कुल तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो 17 साल का जो अनुभव आपने देखा तो मतलब किसका, मतलब तो अगर श्रेय माने तो किसका श्रेय मानते हैं कि भाई अगर इस कॉलेज में आज आप आए हैं, ठीक है 17 साल आप इस कॉलेज में रहे हैं तो क्या कुछ देखने को मिला इसमें? सर मैंने 2008 में कॉलेज को ज्वाइन किया था सर, और 2000 उसके बाद मैंने लास्ट 3 महीने पहले कॉलेज छोड़ा है, जॉब लग गई मेरी, तो मैंने इस कॉलेज से बहुत कुछ सीखा, विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाया। इसमें हमारे प्रबंधक महोदय श्री बलबीर सैनी जी वह हमारे
मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं डॉक्टर राजेश जी, उनका भी बहुत बहुत योगदान है। सफीदो के अंदर जो शिक्षा की अलख जगाने वाले और हर बेटी के लिए बीएड मुहैया करवाने वाले और अध्यापक बनाने वालों में अगर किसी का नाम है तो हमारे चेयरमैन श्री बलबीर सैनी जी का। अगर वो सफीदो के अंदर बीएड कॉलेज नहीं लेके आते तो हमारी बेटियों को काफी दूर तक जाना पड़ता, शायद इस अंतराल के लिए, इस दूरी के लिए किसी के पेरेंट्स समय नहीं दे पाते। लेकिन आज सफीदो में कॉलेज है तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को निसंकोच बिना किसी डाउट के बीएड के लिए प्रेरित करते हैं और बीएड करवाते हैं। तो इसमें हमारे प्रबंधक महोदय, हमारी पूरी फैकल्टी, हमारे डॉक्टर रणबीर जी, संगीता भाटिया जी, डॉक्टर प्रोमिला जी और सभी का बहुत बहुत योगदान है। उन्हीं के अथक हम सब के अथक प्रयासों से विद्यार्थी आगे बढ़े और आसपास के एरिया के अंदर हमारे कॉलेज का नाम हुआ। सर, जो स्टूडेंट जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, एडमिशन को लेकर या फिर कॉलेज को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि सुबह करीब करीब 11:30 बजे हमारी ये आज का वेलकम प्रोग्राम था विद्यार्थियों के लिए, इसको वेलकम प्रोग्राम प्लस टैलेंट सर्च प्रोग्राम कहा जाएगा सर। इसमें इसके माध्यम से, इस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से हम विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई जो क्षमता है, उनकी कैपेसिटी है, उनका पोटेंशियल है, उनका कैलिबर है, तो वो कैलिबर निकालने का कार्य है, उनकी पोटेंशियल का निकालने का, उनके में किस प्रकार का टैलेंट है, वो इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरा सर, हमारा आपने देखा भी होगा कि सेकेंड ईयर के जो हमारे विद्यार्थी हैं, खासकर रवीना ग्रुप है और भी उसके साथी हैं, वो सब विद्यार्थी बढ़ चढ़कर कल्चरल प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर जाते हैं, उनका स्टेज फियर दूर होता है सर। और मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, वो भी बढ़ चढ़कर इस प्रकार के प्रोग्राम करें, आगे बढ़ें, देश का, सफीदों का और हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग 45 वर्षों से स्कूल और 17 सालों से कॉलेज जो चल रहा है, तो कैसा अनुभव जो है वो देखने को मिला और कैसे छात्राओं को जो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो मिल रही है आज आपके कॉलेज के द्वारा, आपके स्कूल के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हमारा कॉलेज का, स्कूल का जो स्टाफ है वो अच्छी तरह से दिन प्रतिदिन अच्छा कार्य करवाता है, अच्छी शिक्षा देता है और उज्ज्वल भविष्य के लिए सभी अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं वो लेके आते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने बच्चों को जो उनकी प्रतिभाएं होती हैं उन पर निखारते हैं और उनको निखार करके आगे बढ़ाते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी दूसरे एक्टिविटीज में हो। तो इसलिए हमें पूरा गर्व है अपने स्टाफ मेंबरों पर और अपने बच्चों के ऊपर, जो कि स्टाफ मेंबर अच्छा कार्य करवाते हैं और बच्चे अच्छा अच्छा कार्य करते हैं। अभी मैं आपको स्टेज पर सुन रहा था तो कहीं ना कहीं नायब सैनी के आप बहुत क्लोज भी माने जाते हैं, तो आप जिस तरह से नायब सैनी ने बिना खर्ची की जो नौकरियाँ जो दी हैं तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, वो पीछे कभी नहीं रहते। जो नायब सैनी की सरकार है उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता नौकरी के बारे में। जो बच्चा, जिसकी प्रतिभाएं अच्छी होती हैं, जो अच्छा विद्यार्थी आगे आता है, बढ़ चढ़ के भाग लेता है, वो विद्यार्थी कभी पीछे नहीं रहता। और इसमें सभी गरीब के, सभी जातियों के बच्चे हैं जो वो इसके अंदर नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए चुने जाते हैं क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का जाति पाति या कोई भेदभाव नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी नए कॉलेज की तलाश में है, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई को लेकर, बीएड को लेकर अपने कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज को लेकर, मतलब जो एडमिशन को लेकर क्या कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर शहर के अंदर नज़दीक और जहाँ पर एक टीचर के लिए अच्छी शिक्षा मिलती हो वहाँ पर उसने एडमिशन लेना चाहिए। और सफीदों में 17-18 साल के लगभग कॉलेज चल रहा है, 18 साल से लगभग, यहाँ पर एक से एक बढ़कर हमारे पास जो स्टाफ मेंबर हैं और बच्चों को अच्छा कार्य करवाते हैं ताकि उनसे कुछ ना कुछ सीखें और अपना उज्ज्वल विषय बनाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो जो आज वेलकम पार्टी जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा, जो फर्स्ट ईयर के जो फ्रेशर थे उनके द्वारा, उनको लेकर जो है आज एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, जिसको लेकर आज जो लड़कियां हैं उनसे भी जानते हैं कि आज कुछ जो प्रोग्राम रखा गया उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो प्रोग्राम रखा गया है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रेशर्स को जो है वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस आज हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी पार्टी होगी और सबने बढ़ चढ़ के साथ दिया और अच्छा हो गया सब कुछ। अब बस सुबह के डांस कर रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खाएंगे भैया। बस जो अभी फ्रेशर्स आए उनको लेकर क्या कहेंगे? वो बस उनको लेके यही कहेंगे कि अब वो आगे संभाले, हमने तो उनको पार्टी दे दी, अब वो फंक्शन करके दिखाया ऐसा। अभी आप लगभग सेकंड ईयर में है, तो आपने अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की, उससे पिछले साल की, जब आपने ये हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन किया था तो क्या सोच के ज्वाइन किया था और क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर, क्या कैसी फैसिलिटी? तो यहाँ नर्सरी क्लास से लेकर 12th पास आउट यहीं से हूँ मैं, तो मेरा जुड़ाव तो स्कूल के साथ पहले से ही था। अब मैं कॉलेज में, मेरी तो सारी स्टडी यहीं से हुई है और सर राजेश सर और सब ये प्रिंसिपल सर है जो बलबीर, उनका मेरा जुड़ाव बहुत अच्छा है क्योंकि हम शुरू से यही पढ़े हैं, हम तीनों सिबलिंग्स यहीं पे पढ़े हैं सर। जो स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज की तलाश में आज इधर उधर चल रहे हैं तो उनको लेकर क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो यहीं पे आए, यही से कहाँ पर? हरियाणा कॉलेज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम रखा गया, जो वेलकम पार्टी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्रोग्राम था ये हमने फ्रेशर पार्टी की थी, ये हमारे जूनियर के लिए की थी और अब हम यहाँ से जाएंगे तो आगे का प्रोग्राम तो वही संभालेंगे और बस इतना ही कहना। हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद क्या था, आज क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला लगभग दो सालों में? स्टाफ है जो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट तरीके से बिहेव करते हैं और मैंने जो शुरू में यहाँ पे आई थी तो जो स्टाफ ने हमारे साथ कोऑपरेट किया था, बहुत अच्छे से बात की थी, बहुत स्वीटली बात करते हैं, इसी वजह से एक ये भी रीज़न था कि मैंने यहाँ पे लिया एडमिशन। और यहाँ पे हर तरीके से, आपकी पढ़ाई में लगा लो या फिर कोई भी एक्टिविटी, एवरीथिंग, हर चीज़ में कोऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ से जाने के? यहाँ से जाने के बाद मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके फिर हम प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? बस यही कहना चाहूंगी मैं, जो मतलब आज का प्रोग्राम हो बहुत ही अच्छा हुआ, हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ और मैं सभी मतलब सभी बच्चों के पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ हरियाणा कॉलेज में एडमिशन दिलवाए, बहुत अच्छा बच्चों को परफॉर्मेंस मिलेगी, बोलने का तरीका, स्टडी एक नंबर, मतलब परफेक्ट। यहाँ स्टाफ कैसा? स्टाफ बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, सोच बहुत अच्छी स्टाफ की, मतलब बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है यहाँ। जो न्यू स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं एडमिशन्स की, या एडमिशन जिनके हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर जो प्लान करेंगे कि भाई एडमिशन लेना है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही की? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मतलब आने वाले टाइम में ये कॉलेज और भी तरक्की करने वाला, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हमारा, जो बी एड फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला और यहाँ स्टडी भी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से की जाती है, जो बच्चे रेगुलर क्लास लगाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब ये मौका भी है उनके लिए। क्या नाम? हाँ जी नमस्कार सर, मेरा नाम निशा है। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना? आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, हमने 4-5 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा गया है, हमने फर्स्ट ईयर का वेलकम किया है, भी जो फर्स्ट ईयर में नए नए बच्चे आए हैं वो हमारे कॉलेज को देखे कैसा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, रेगुलर क्लासें लगती हैं हमारी। दो साल इस कॉलेज को आप पढ़े हैं, आप इस कॉलेज में तो क्या कुछ देखने को मिला, कैसा कुछ स्टाफ है? स्टाफ बहुत अच्छा है, सब सबके साथ घुल मिल के रहते हैं सारे स्टाफ, बातचीत भी अच्छे करते हैं, ये नहीं है कि भी ये बच्चे नए नए आए हैं तो हम इनके साथ बातें नहीं करेंगे, सब सबके घुल मिल के। फ्रेशर आए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? फ्रेशर आए हैं, अच्छा अच्छा कॉलेज है, इंजॉय करो, पढ़ाई करो, रेगुलर क्लास लगाओ अपनी। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम मौसम है। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इंजॉय किया सर, हमने खुद से परफॉर्मेंस की दी यहाँ पे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी और हम हमारा स्कूल हमारा कॉलेज स्टाफ भी बहुत अच्छा है सर, वे एक परिवार की तरह रहते हैं हमारे साथ, जैसे माता पिता बेटी माता का ऐसे संबंध रहता है ऐसे हमारे साथ रहते हैं सर, हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी थी सर ने, बहुत अच्छा सर है, राजेश सर, सुरेश सर जो यहाँ से अभी जा चुके हैं, रणबीर सर, प्रमीला मैम, बहुत अच्छे सर।
दो साल पहले आपने ज्वाइन किया था यहाँ पर, तो और भी कॉलेजेस थे यहाँ पर जो स्पीडो की बात करूँ तो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही क्यों चुना? हरियाणा कॉलेज इसलिए ही चुना क्योंकि एक तो ये हमारे पास में पड़ता है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने बहुत से मोटिवेशन हुआ कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए हमने यहीं से चूज किया कि हम भी यहीं से स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ अभिनव हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं नवदीप जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। आज जो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पहुंचे उनको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, आज हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी प्रकार से वेल मेंटेन चीज़ें सारी, और बहुत अच्छा लगा आके। और सफ़ीदो में काफ़ी पुराना जो स्कूल है वो हरियाणा स्कूल ही है, ओके, तो काफ़ी टाइम से काफ़ी समय से बाबूजी स्कूल को कंडक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत वेल मेंटेन चीज़ें सारी चीज़ें कर रखी थी। और जो से कॉलेज में आप जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, फ्रेशर्स आए हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सी? देखो, फ्रेशर को यही संदेश है कि अपनी जो लाइफ है वो खुल के जिए, तो थोड़ा सा मिर्च मसाला तो होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो उस चीज़ को रखें, बस यही उनको हिदायत है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल जो है डॉक्टर रणबीर, तो उनसे बात करेंगे। सर आज नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो आज फ्रेशर्स को जो एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थियों ने बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का वेलकम किया है। बड़ी अच्छी पार्टी रही बच्चों की, बड़ा इंजॉय पार्टी के अंदर बच्चों ने किया। हमारे कॉलेज के जो चेयरपर्सन हैं श्री बलबीर सैनी जी ने बच्चों को बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया है कि किस प्रकार से वो टीचर के प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं और इसके अंदर कामयाब होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर नवदीप दुहन जी भी गेस्ट के तौर पर आए थे, उन्होंने भी बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शिक्षा और हमारा शरीर ही हमारा जीवन साथी है, एक समय ऐसा आता है सब कुछ हमारे साथ छोड़ जाता है, लेकिन हमारी शिक्षा, अच्छी शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य है ही वो हमारे साथ रहता है। तो बलबीर, चेयरमैन बलबीर जी ने भी शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को बताया और डॉक्टर साहब ने भी स्वास्थ्य के महत्व के बारे में आज बच्चों को बताया है। इसके साथ साथ बच्चों ने बड़ा एंजॉय पार्टी के अंदर किया है। आज जो स्टूडेंट्स एडमिशन्स की वेट कर रहे हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस की तलाश में, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन करे तो ज्वाइन करे तो क्यों करे? हरियाणा कॉलेज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के अंदर मोस्टली बच्चे नॉन अटेंडिंग है, क्लास अटेंड नहीं करते, लेकिन हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको एक किस्म से कह सकते हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम देते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं और रेगुलर क्लास अटेंड करके ही वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब को वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जो सिस्टम बनाया है वो रेगुलर क्लासेस का सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से बच्चे कामयाब होते हैं और फिर वो दूसरे बच्चों को भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। लगभग 17 सालों से बात करूँ तो मैं सुरेश को जो शर्मा जी हैं वो यहाँ के प्रिंसिपल थे, लगभग 3 से 4 महीने आपको भी हो गए इस कॉलेज से जुड़े हुए, तो सुरेश शर्मा जी से क्या सीखने को मिला अभी 3-4 महीनों में? अगर कुछ सीखने को मिला तो क्या कुछ? सुरेश शर्मा जी कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं, मतलब जब से ये कॉलेज शुरू हुआ था तब से वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। सुरेश शर्मा जी मेरे कलीग्स भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और क्योंकि वो फॉर्मर प्रिंसिपल है तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कॉलेज में को कैसे चलाया जाता है, कॉलेज में बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाता है और एडमिशन के टाइम पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे कॉलेज की ओर आकर्षित हों और कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। तो अपने कलीग से, अपने बड़े भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ फ्रेशर्स जिन्होंने अभी अभी हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन किया है, तो उनसे पूछते हैं कि अभी आखिर हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या नाम है आपका? अजय। कौन सा गांव है? मलार। आज जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा आज जो फ्रेशर्स को जो है वेलकम पार्टी जो दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत मन लगा सच्ची में, मतलब पहले भी हुई है लेकिन ये पार्टी ना बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी मेरी जिंदगी का, बहुत अच्छा पल है ये। हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जी, रीजन ये है कि बीएड करने के बाद टीचिंग लाइन है वो हमारा जो गोल है ना उसको अचीव करना है कि हम फिर टीचर बन जाए। सर ऐसे बोले थे ना, अगर भी आप बीएड, जो बीएड करेगा ना वो टीचर जरूर बनेगा। ठीक है, तो मेहनत करेंगे टीचर ऑफकोर्स बन जाएंगे, यही पर्पज है।
कॉलेजेस और भी थे, हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन क्यों ज्वाइन किया? पहले तो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है ना, सबसे अच्छी बात तो की है आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेकंड बात ये माहौल, हाँ जी बिल्कुल यही बात है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो आपने ज्वाइन किया है, तो क्या कुछ कहना कहेंगे, क्या सोच के आपने ज्वाइन किया? मतलब कॉलेजेस और भी थे तो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही क्यों? अदर कॉलेज के कंपैरिजन में देखे तो मतलब यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी है और टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव है, मतलब कैसे भी सिचुएशन हो हैंडल कर लेते हैं, मतलब बच्चों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में, मतलब फैमिली टाइप भी रहते हैं, इसलिए जो आज सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा जो आज आप सेकंड ईयर तो फ्रेशर कौन कौन है? फ्रेशर ये वाले और ये वाले। तो जो आज वेलकम पार्टी आपके द्वारा जो फ्रेशर्स को दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमने इसलिए दी थी भी, मतलब जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये होता है, लेकिन हमने इसलिए दी थी क्योंकि हम जो हमारे फ्रेशर हैं इनसे हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए और ये भी हमारे फैमिली के टाइप पे हमारे साथ मतलब अपनी बातों को शेयर करें, बस इस पर। कॉलेज के स्टाफ आपने देखा भी, आप लगभग 2 साल इस कॉलेज में आपने पढ़ चुके हैं, तो कैसा स्टाफ है? बहुत अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, मतलब किसी भी टाइम हम कॉल कर ले, हमेशा तैयार रहते हैं। आप फाइनल कौन से जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है फ्रेशर ही हो, तो आज जो पार्टी जो वेलकम पार्टी जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट के द्वारा दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी बहुत बढ़िया थी जी, बाकी और टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, सीनियर तो हैं ही अच्छे, और पार्टी ठीक ऑर्गेनाइज थी, बढ़िया कॉलेज और भी थे अपने एरिया में, तो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही क्यों ज्वाइन करा? ये तो जी देखो, हमने शुरू में भी नहीं देखा, बाकी ये नज़दीक भी इसलिए आए थे, और बाकी मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पर, और सफाई व्यवस्था भी अच्छी है, टीचर भी अच्छे हैं, सारा इको फ्रेंडली ऐसी। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर है सर। मिस प्रेसर, तो आपने हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन अभी ज्वाइन किया, तो क्या कुछ सोचकर ज्वाइन किया है, और कॉलेजेस और भी थे? हाँ जी सर, सब पहले सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आज मैं मिस फ्रेशर बनी हूँ। सर यहाँ पे कॉलेज तो और भी है, मैं पहले यहाँ वो नारा स्कूल वो कॉलेज है वहाँ पे भी गई थी, पर वहाँ का एनवायरनमेंट भी लगा लो या फिर आने जाने की भी बहुत मतलब परेशानी थी, और मैं तो सफ़ीदों से हूँ तो यहाँ पास के पास मेरे को ज़्यादा ईजी पड़ता है, और रही बात स्टाफ की, तो यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है। तो सुना था या फिर किसी को पढ़ते देखा था यहाँ भी, यहाँ ये मेरा कोई रिलेटिव है जो? सर मेरे रिलेटिव है यहाँ पे, जो टीचर्स हैं वो एक दो रिलेटिव्स हैं यहाँ। तो आज जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा जो आज फ्रेशर्स को आप लोगों को जो वेलकम पार्टी दी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर यहाँ पे अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है, मतलब अगर स्कूल या और कॉलेज के कंपेयर करें तो यहाँ पे जो इन्होंने सिस्टम करा है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, हर चीज़ में तो अच्छा लगा आज। जो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट गोल की, अगर आप जहाँ से हम यहाँ से पास आउट होते हैं तो क्या कुछ सोच रखा आपने? सर पहले तो मैं मतलब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हुई है और अभी बीएड चल रही है, तो बीएड के बाद वही टीचिंग लाइन में ही जाना है, नेट की तैयारी चल रही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश सैनी, आइए उनसे जानते हैं जो आज जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा जो आज फ्रेशर्स को जो वेलकम पार्टी दी गई उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जो आज प्रोग्राम रखा गया है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रेशर्स को जो है वेलकम पार्टी दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सूरज जी, मैं आपको और आपकी टीम का हरियाणा बीएड कॉलेज में आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आज की जो बच्चों की वेलकम पार्टी थी वो हमारे हरियाणा परिवार का हर साल का एक ऐसा पर्व है जिसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को शामिल करते हैं, और जो हमारा कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बच्चों से गेट टुगेदर करती है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और आज का जो फंक्शन था, ये आज हमारा फंक्शन बच्चों को मोटिवेट करना था, और जो हमारे हरियाणा परिवार की एक परंपरा चली आ रही है उसको हम निभाते हुए आगे बढ़े, और इसमें हम बच्चों ने अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो संदेश दिया, उसके साथ साथ ये लगा लीजिए कि बच्चों ने एकेडमिक्स अचीवमेंट का भी बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दी, तो ये बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल है कि वो ज़िंदगी में एक अच्छी सोच से अगर आगे बढ़े तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। सर लगभग 45 वर्षों से हरियाणा स्कूल और लगभग 17 से 18 वर्ष जो है हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन को शुरू हुए होंगे, तो कैसा कुछ अनुभव जो है देखने को मिला, जो सोच कर शुरुआत करी थी तो क्या लगता है कि हाँ भाई वो शुरुआत अच्छी थी? देखिए सर, शुरुआत कभी भी किसी चीज़ के लिए इतनी आसान नहीं होती। हमारे संस्था के चेयरमैन सर हैं श्री बलबीर सिंह सैनी जी, उनके मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ना सीखा। सर ने शुरुआत की, 1982 से स्कूल की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर 2000
2008 में हमने कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, तो उनका जो समय देखे उन्होंने बड़ी लंबी जर्नी की, उस जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मुझे भी 22 साल हो गए एजुकेशन फील्ड में काम करते हुए। हमारी एक टीम बहुत अच्छी है, सर ने हमें यही सिखाया कि अच्छी टीम से आप आगे बढ़ सकते हो। हरियाणा स्कूल की जो टीम के हेड हैं वो मैम हमारे संगीता भाटिया जी हैं, वो पिछले 17-18 साल से स्कूल को संभाले हैं, सारा कुछ जिम्मेवारी से आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में कॉलेज का डॉक्टर सुरेश शर्मा जी ने 17 साल से पूरा सहयोग दिया। अब वो गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट जॉब पे जा चुके हैं, पर उनके साथ साथ उनके कलीग साथ में डॉक्टर रणवीर जी वो एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। तो हमारी एक टीम गेम है और टीम में हम सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास को बढ़ा के हम आगे अब तक चलते आ रहे हैं। और हमारा सबसे मेन मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी का विश्वास कहीं पर भी हमारा ट्रस्ट खराब ना हो, क्योंकि जो मैम डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए भी अच्छा रहता है और हम भी उसको एक्सेप्टेंस पे लेते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो बच्चों वेलफेयर के लिए लेते हैं। तो हरियाणा परिवार इतने सालों से इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि इस लंबे दौर में बहुत सी संस्थाएं आई, बहुत सी चली गई, बट ये संस्था आज भी अगर रनिंग मोड में, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि संस्था की एक ऐसी टीम है जो हर वक्त हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहती है। अच्छा दौर भी देखा है, बुरा दौर भी देखा है और हर दौर ने हमें सिखाया है। हम निखरे हैं और निखर कर आज इतने निखरे हैं कि आज 2000 हम बात करें 24 में आपके सफीदो एरियाज और हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद के अग्रणी संस्थाओं में हमारी संस्था का नाम आता है। अगर मैं आसपास के एरिया की बात करूं, बहुत से स्टूडेंट्स यहां से आए, अभी आए हैं और कुछ बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो गए भी हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो एडमिशन लेने की इच्छा जता रहे हैं कि भाई कोई अच्छा कॉलेज जो है वो हमें जो मिले और हम वहाँ पढ़े जाकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो अगर ज्वाइन करें तो हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही क्यों ज्वाइन करें? सर पहली चीज़ तो एक ही, पूरे सफीदो सब हमारे सिटी में और नियर बाई सफीदो में एकमात्र कॉलेज आपका हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड कॉलेज ही है। दूसरा सर हमारी स्टाफ और हमारी सर जो मैनेजमेंट है बहुत कोऑपरेटिव है। बहुत से ऐसे बच्चे सर जो हमारे पास स्कूल में थे फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सर हम न्यू जनरेशन को इसलिए कहेंगे आप हरियाणा कॉलेज को चूज़ करें। एक तो आपके सराउंडिंग में आप सबसे नियर बाय हैं, हमारे यहाँ का इंफ्रा इतना, आपके सामने हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इंफ्रा इतना अच्छा है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको लगता है हम अपने घर में हैं। थर्डली सर हमारे जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे टॉप करके जा रहे हैं। CRSU के जो हमारे VC सर रणपाल जी 2 बार हमारे विजिट कर चुके हैं, उसके अलावा जो पहले VC सर रहे हैं सोलंकी सर वो भी 2 बार आ चुके थे, और उससे पहले हमारे जो भी VCs रहे CRSU से वो हमारे यहाँ आते रहे क्योंकि उनको कॉलेज अच्छा लगा और कॉलेज के अचीवमेंट उनके सामने है। और सबसे बड़ी बात, अभी BJP गवर्नमेंट बनी है, नायब सैनी जी CM हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया, मैं कहता हूँ वो स्लोगन आप आगे भी बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। बगैर खर्ची और बगैर पर्ची की जो बच्चों की जॉब्स मिल रही हैं, 25,000 जॉब्स अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने दी हैं और वो सारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़े बैठे थे। 7200 पोस्ट वो TGT थी सारी, जो पोस्टल निकली थी वो भी नायब सैनी जी के द्वारा हमारे हरियाणा सरकार ने बच्चों को प्रोवाइड की। BJP गवर्नमेंट ने कुछ इतना अच्छा प्रावधान कर दिया कि जितने बच्चे बीएड करते हैं वो कोई एक सिंगल बच्चा भी घर पे नहीं बैठेगा, तो बीएड का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया कि बीएड कर लिया तो समझ लो आपकी जॉब है वो श्योर है, श्योरिटी पक्की है। इसलिए मैं कहूंगा एक तो सब बच्चे बीएड की तरफ आगे आके बीएड के कोर्स को करें, जिससे कि उनकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी और उनको एक जॉब भी उनके सिक्योर होगी। आपने सरकार की बात कर दी, तो अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज प्लेसमेंट को लेकर कहां आपने आपको देखता है? सर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए देखता है कि जैसे कि आप लगाइए कि बीएड एक ऐसी डिग्री है जो एजुकेशन सेक्टर में मैंडेटरी है, चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब दीजिए या प्राइवेट सेक्टर की जॉब दीजिए, विदाउट बीएड कैंडिडेट्स वो एलिजिबल ही नहीं है। अगर आप PRT है तो आपको बीएड चाहिए, TGT है तो आपको बीएड चाहिए, PGT जाना तो आपको बीएड चाहिए। तो बीएड इज द मैंडेटरी डिग्री फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। सो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो बच्चा बीएड करेगा और अच्छी वो यहाँ से नॉलेज गेन करके जाएगा, तो वो जब गवर्नमेंट इतनी अपॉर्चुनिटी देती है, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो बच्चा 110% अपनी प्लेसमेंट ले लेगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं, उसको लोग बुलाएंगे, आइए आप हमारे यहाँ पर बच्चों को टीच कीजिए, क्योंकि एक अच्छे टीचर की जरूरत हर जगह है। क्योंकि एक टीचर को हम बोलते हैं वो सोसाइटी मेकर है, वो हमारी सोसाइटी को बनाने वाला है। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छे लोग बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर अच्छी विचारधारा नहीं गई तो मुझे लगता है एक अच्छे देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए आश्वस्त हूँ और खुद मैं नायब जी से मिला हूँ, तो मुझे तो इतना कहना है कि आज की जो सिनेरियो है मोदी जी के नेतृत्व में देश बड़ी तरक्की करता जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो भी एक अच्छे विजन से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे दोनों हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर इतना भरोसा है कि आने वाले समय में बच्चों को वो शिक्षा के स्तर को इतना बड़ा आगे ले जाएंगे वो, कि हमारे से जितने भी एजुकेशन कॉलेजेस हैं वो सरकार को एक अच्छे रिजल्ट के तौर पे बच्चों को बीएड करवा के देंगे।
अगर मैं बात करूं बलबीर सिंह सैनी की, उन्होंने अपने ज़िंदगी में मतलब बहुत से संघर्ष भी देखे, बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, तो आपके पिताजी हैं जो बलबीर सिंह सैनी, तो उनके संघर्ष को कहाँ देखते हैं भाई, इतनी बड़ी जर्नी जो उन्होंने तय की है? सर उनके संघर्ष से मुझे एक सीख मिलती है, देखिए कि समय, मैं फिर कहूँगा वो सूरज जी आप हम सब के लिए है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, रात की काली रात भी आएगी, काली रात जो गुजार लेगा वही अगला दिन का सुबह देखेगा, तो वो एक हर एक की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक लाइफ का पार्ट है, जिसमें अच्छे पल भी हैं और बुरे पल भी हैं। और मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि हमारे मेरे खुद पिताजी की लाइफ में उन्होंने बहुत से ऐसे जर्नी देखी, ऐसे उन्होंने समय निकाला, उसमें अच्छे पल भी थे बुरे पल भी थे, पर उन्होंने बुरे पल या बुरे जो दौर था उसको बिल्कुल साहस से उसका सामना किया, और वो चीज़ हमें भी सिखाई कि बेटा बुरा दौर ज़्यादा लंबा नहीं चलता, चलेगा पर लंबा नहीं चलता, उसको आप फेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमने भी उनसे सीखा कि अगर कई बार समय साथ ना दे तो आपके पास सिर्फ एक ही सबसे बड़ा हथियार है, वो है पेशेंस का, सब्र का, सब्र आप रखें, एक दिन समय आएगा आपको उसी जगह लाके खड़ा कर देगा जिसके लिए आप क्या है, आप आश्वस्त है, जिसके लिए आप क्या है, आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो पिताजी की जर्नी देख के हमें भी काफ़ी हौसला मिला, और आज हम, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे लगभग 22 साल हो गए हैं, इस 22 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा है, बट कंक्लूजन ये निकलता है हर व्यक्ति को एक सीख है कि जिंदगी आपके बहुत से क्या करेगी, आपकी परीक्षाएं लेगी, आपको नीचे भी गिराएगी, बशर्ते वो आपके ऊपर है कि डेडिकेशन से आप नीचे ना गिरकर उसका सामना करो, बुरा वक्त है टल जाएगा, बट अगर आपका हौसला मजबूत रहा, वहां पर दो ही बात होंगी, या तो आप बिखर जाओगे या निखर जाओगे, हमने बिखरना मंजूर नहीं किया, हमने निखरना मंजूर किया, इसलिए हम निखर के आपके सामने हैं। तो मैं तो आपको भी यही कहूँगा सूरज जी, और जो व्यूअर्स आपके हमें देख रहे हैं, कि जिंदगी में एजुकेशन सिस्टम के अलावा बहुत सी लाइफ की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती हैं, उनको फेस करो और आगे बढ़ो, और वहीं से आपकी एक अच्छी पहचान बनती है। और मुझे इतना भी और कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, सफीदों एक हमारी धर्मनगरी है, इस धर्मनगरी में ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे कर्म भी हुए हैं जिसका आज भी हमारे पुराणों में जिक्र होता है, जैसे सर्पदमन हमारे क्षेत्र का नाम है, सर्प का दमन हुआ था, महाभारतकालीन शहर है, इस शहर ने बहुत अच्छा अच्छा दौर भी देखा और बुरा दौर भी देखा है। तो सो की बात यही है कि पिताजी के संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम उसको सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन क्लोज है या ओपन अभी? सर फिलहाल तो हमारी पूरी सीटें फिल हो गई थी, 2024-25 के एडमिशन कवर हो चुके हैं, अब आगे 2025-26 में जो एडमिशन होंगे वो हम जून से ही बच्चों को नोटिस आ जाता है कि आफ्टर जून के बाद बच्चे अपना एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो जून के बाद 2025 में, जून 2025 में न्यू एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो उस समय बच्चे अपना एडमिशन के लिए कॉलेज में अपना आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, वेलकम।